तो दोस्तों स्वागत करता है नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि YouTube पे आपको थंबनेल कैसे बनाना है। आपको एकदम एचडी थंबनेल बनाना जरूरी है ताकि आपका कोई भी वीडियो जैसे YouTube सजेस्ट करता है तो उसमें आपको कोई भी ऐसा थंबनेल देखेगा एकदम एचडी तो कोई भी उस पर क्लिक करेगा और आपका वीडियो उसका देखा जाएगा, जिसमें आपका होस्ट टाइम भी बढ़ेगा और आपके जो व्यूज है वो भी बढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको एक एचडी प्लस जो थंबनेल लगाना जरूरी है, उसमें बैकग्राउंड कैसे डालने हैं या फिर कोई भी ऐसे स्टडी वीडियोज बनाते हैं तो उसमें आपको कैसे कैसे लिखना होगा तो वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में अपने मोबाइल में प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो दोस्तों आप तो आपने अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना तो भूले ही नहीं। तो दोस्तों चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर और आपको बताते हैं प्रैक्टिकल करके। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको पिक्सेल लैब ऐप डाउनलोड कर देना है। वो देखने में आपको ऐसा दिखेगा, मैं बता देता हूँ आपको, ये ऐसा दिख रहा है पिक्सेल लैब ऐप, ऐसा ऊपर से होगा। इसको जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा आएगा। तो इसके लिए आपको फिर जो आपको थंबनेल बनाना है उसका साइज है 16.9 का होना चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ से बैकग्राउंड है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे डार्क बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट कर दिया है। इसको यहाँ से डिलीट कर देना है और थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे इमेज साइज को आप यहाँ पे थंबनेल बना देना है, यूट्यूब थंबनेल। ओके कर दिया। अभी इसके बाद यहाँ पे आप जो फोटो मैंने जो बैकग्राउंड हटाया था तो वो मैं थंबनेल के ऊपर यूज़ करता हूँ। तो उसके लिए मैं अपने गैलरी से वो सेलेक्ट करता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे प्लस पे दबाना है और यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे दबाना है। तो मैं यहाँ से ये फ़ोटो फ्रॉम अपनी गैलरी से सेलेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट किया है और इसका साइज आप देख लीजिए, इस प्रकार आप कर सकते हैं। फिर यहाँ से राइट कर दीजिए तो मेरा ये फ़ोटो था, ये आ चुका है। अभी मैं इसको थोड़ा इधर उधर घुमा के एकदम सीधा कर दिया है और मैंने देख लीजिए ये ऐसा यहाँ पे लगा दिया है। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, एक दो लोगो वगैरह भी रखना है यूट्यूब का। तो यहाँ पे मेरे लोगो डाउनलोड किए हुए हैं तो मैं यहाँ से एक दो लोगो डाल देता हूँ या फिर। तो दोस्तों मैंने अपने गैलरी में से ये लोगो देख लीजिए, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, PNG ट्रिक करके वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है, फिर मैं राइट कर देता हूँ और ऊपर यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा छोटा करके लगा देता हूँ। यहाँ पे लगा दिया। अभी इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ आपको जो भी आपको लिखना था। तो यहाँ पे प्लस पे दबाना है, यहाँ पे टेक्स्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे एडिट का इस पर क्लिक करना है, एडिट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जो आपको कट मारना है और यहाँ पे लगा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ एक महीने, या हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ एक महीने में 4000, इसको थोड़ा इधर कह सकते हैं कीबोर्ड को, 4000 घंटा लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं जैसा आपको चाहिए, 4000 घंटों का वॉच टाइम। तो दोस्तों मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके जो आपको बता रहा हूँ ताकि इसी प्रकार आप कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर नॉर्मल आपको जो मेन बात है वो आपको नहीं बताते हैं। तो मैं देख लीजिए वॉच टाइम कैसे बढ़ाए, तो इस प्रकार आपको लिख देना है, फिर यहाँ पे ओके कर देना है। अभी इसको क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा एडिट का, तो इसमें ऊपर लेके जाना है और यहाँ पे कलर है तो कलर यहाँ पे हम इसमें कलर अलग अलग ऑप्शन आते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे राइट कर दिया और उसके बाद ऊपर सरका के यहाँ पे फॉन्ट आते हैं तो फॉन्ट में हमने मोटा वाला फॉन्ट ले लेना जैसे ये, तो इसको हमने राइट कर दिया। अभी इसके बाद यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन आता है तो साइज़ थोड़ा बड़ा कर देने का है, फिर इसको ऐसे लेके जाना है, फिर इसको एकदम ऐसे भी आप कर सकते हैं छोटा।
और इसका थोड़ा कलर है वो चेंज कर सकते हैं यदि आपको अच्छा नहीं लगे तो। तो इसमें मैं कलर दूसरा इसमें देख सकते हैं, तो अलग अलग ऑप्शन आते हैं कलर के, तो ये कलर सेट कर दिया तो ये भी अच्छा दिख रहा है, या फिर ये वाला ये भी अच्छा दिख रहा है, या फिर और बहुत सारे कलर आते हैं तो ये भी कर दिया तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है। उसके साथ ये पीले का ऑप्शन आता है, पीला भी कर सकते हैं, लाल भी कर सकते हैं, बहुत सारे कलर के ऑप्शन आते हैं इसी ऐप में, मेरे हिसाब से और ब्लू वाला सही रहेगा तो ये कर दिया, अभी राइट कर दिया। अभी यहाँ पे इसका थोड़ा साइज है वो थोड़ा आप बढ़ा दीजिए और थोड़ा आप अलग सा थोड़ा मतलब कुछ ना कुछ आप अपने दिमाग लगा के थोड़ा क्लिक वाला मतलब कोई भी आपका वीडियो देख ली उस पर क्लिक करे ऐसा कुछ लिख दीजिए। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा और लिख देता हूँ, ये तो ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस का दबाना है, टेस्ट करना है, फिर यहाँ पे एडिट करना है, फिर यहाँ लिखना है नई हुए नहीं हुए तो मेरा चैनल जैसे लिख देना है कोई भी अपने अनुसार, जैसे मेरा चैनल डिस्क्राइबर या फिर मेरा चैनल डिसब्सक्राइबर कर दीजिए, तो इसको लिख दीजिए डिस्क्राइबर। फिर हिंदी में वापस लिखना है कर दीजिए, तो इससे क्या होगा कि यहाँ वो इतनी जानकारी बता रहे तो कुछ वीडियो बहुत लाइक आने का चांस थोड़ा बढ़ता है, तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, नहीं हुए लिखना है, ओके कर दिया है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर लेके जाना है और यहाँ पे कलर आपको अलग सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पे जैसे मैं इसका पीला कलर सेट कर देता हूँ। आप एक बार करेंगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। राइट कर दिया, फिर ऊपर लेके जाता हूँ, फिर फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर अलग अलग फॉन्ट आते हैं तो मैं फॉन्ट इस पर सेलेक्ट कर दिया, ये सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। उसके बाद बैकग्राउंड है, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन लास्ट तक ज़रूर देखें, मैं पूरी जानकारी बताऊँगा। फिर यहाँ पर बैकग्राउंड में कलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे डार्क वाला सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे राइट कर देना है, फिर यहाँ पे वापस साइज पे आना है, साइज थोड़ा बड़ा कर देना है, फिर यहाँ पे राइट कर देना है, फिर इसको ऐसे फिर वापस साइज पे जाना है, थोड़ा नॉर्मल छोटा कर देना है, फिर उसी अनुसार आप यहाँ पे बैकग्राउंड बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, तो ये देख लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे ऊपर इस पर क्लिक करके यहाँ पे सेव टू इमेज कर दीजिए, सेव टू गैलरी हो गया, तो ये मेरे मोबाइल में अभी सेव हो चुका है। उसके बाद मैं आपको फ़ोटो बता देता हूँ अपने गैलरी में, तो ये देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार है। यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ चेंजिंग करना है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए वीडियो लंबा हो रहा था तो मैंने इतना ही करके बता दिया। आप थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर दीजिए, उसमें थोड़ा आप शैडो वगैरह डाल दीजिए और थोड़ा सही वो क्वालिटी वगैरह है HD डाल दीजिए, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मेरे हिसाब से इतना मैंने बता दिया है, बाकी का आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो